सोनीपत में जब भी बारिश होती है तो सब्जी मंडी में लोगों को बेहद परेशानी जरूर होती है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो ये तस्वीर देख रहे हो, यहाँ सब्जी मंडी में बारिश का पानी भरा हुआ है और निकासी का कोई प्रबंध न होने से समस्या विकराल रूप भी जरूर धारण कर लेती है, क्योंकि सब्जी मंडी में प्रतिदिन हजारों लोगों को आना पड़ता है। यहाँ लोगों का क्या कहना है, पहले आपको यह सुना देते हैं। बहुत बुरा हाल है हो जी, सीवर सारे जाम है, खुलता नहीं, मंडी में बहुत पब्लिक परेशानी होता है, सारे कस्टमर दुखी होकर चले जाते हैं, यही बात है और क्या है। समाधान नहीं करते, आते हैं देख करके चले जाते हैं सारे जने। ये कम से कम 25 साल से है। बताया जा रहा है कि इस सब्जी मंडी में पिछले 25 वर्षों से सीवर की समस्या का समाधान कोई भी नेता कर नहीं पाया है। सब्जी मंडी में रोज पानी भरा रहता है, आगे सफाई नहीं होती टाइम पे, ना झाड़ू लगती यहाँ पे टाइम पे, ये देख लो गंद पानी भरा हुआ है, ना कोई निकासी है यहाँ की। यहाँ पे लोग बहुत परेशान है, जो यहाँ पे सब्जी खरीदने आते हैं वो ही बहुत परेशान है, ना यहाँ पे सांड भी बहुत हो रहे हैं। क्या मांग करते हो प्रशासन से? सरकार से मांग करते हैं ये पानी ना रुके, यहाँ पे साफ सफाई अच्छी रहे। प्रशासन और मार्केट कमेटी के अधिकारियों को भी कई बार गुहार लगाई, लेकिन समाधान आज तक नहीं निकल पाया है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।